ये वीडियो जो है ये कोल एंड पेट्रोलियम जो है क्लास एट का चैप्टर फाइव साइंस का उसका ये सेकंड पार्ट है जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले ही बना चुके हैं देख चुके हैं उसमें कोल के बारे में और इस वीडियो में जो है हम पेट्रोल क्या है कि आप जानते हैं पेट्रोलियम एज अ फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईंधन की तरह हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं लाइट ऑटो मोबाइल्स का मतलब है जिससे कि जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं स्कूटर्स हैं कार्स हैं इन सब में हम लोग क्या करते हैं पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं और जो हैवी वहीकल है वही ट्रक हो गया ट्रैक्टर हो गया इसमें हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो जो लाइट हैं जैसे कि मोटर बाइक्स वगैरह उसमें हम क्या करते हैं पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और जो हैवी हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर उसमें हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल और डीजल जो है ऑप्टेंड होते हैं हम लोग लेते हैं नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से तो पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल पेट्रोल डीजल कैरोसिन वैक्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं अब क्या आपको बता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी हम लोगों ने कोल देखा था कि जो पेड़ होते हैं वो जब नीचे दबते जाते हैं मिट्टी में उसकी काफ़ी परतें बन जाती हैं फिर वो अंदर धसता जाता है टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या होता है कई सालों बाद कई हजार सालों में जो है कोल बन जाता है अब पेट्रोलियम जो है वो समुद्र के जो जानवर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जब उनकी डेथ हो जाती है उनकी बॉडी जो है वो सी के समुद्र के बॉटम में क्या होती हैं सेटल हो जाती हैं और कवर हो जाती है लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले तो वो सी के बॉटम में सेटल हो जाती हैं और उनकी बॉडी सैंड से क्ले से पूरी की पूरी कवर हो जाती है और ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स कई सालों बाद एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ना वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे जो कि सी के डेड ऑर्गेनिज़म थे वो जब मर जाते हैं वो नीचे समुद्र में सेटल होते जाते हैं फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एयर हवा की कमी की वजह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो मरे हुए जानवर थे यही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें बोला गया है कि जो फिगर है इसकी तरफ हम देखें फिगर 5.4 में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स के बारे में हमें बताया गया है तो देखिए क्या होता है रिजर्वायर रॉक होती है मतलब नीचे की तरफ जो है सारे के सारे प्लांट्स वगैरह नीचे दब जाते हैं फिर रिजर्वायर रॉक का मतलब है यहाँ पर हमें ऑयल मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं रॉक है फिर उसके बाद वाटर है फिर जो रॉक है उसमें हमें ऑयल और गैस मिलता है और फिर वेल्स मतलब कुएँ खोदे जाते हैं जिसमें से ऑयल और नेचुरल गैस हम लोग बाहर निकाल सकते हैं तो देखिए ये जो फिगर है ये दिखाता है इट शोर्स डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस फिगर में हमें पता लगता है जो पेट्रोलियम के नेचुरल गैस के जो डिपॉजिट प्रेजेंट हैं अर्थ में उसके बारे में हमें दिखाता है ये और यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर और आप देखते हैं कि जो लेयर है जिसमें पेट्रोलियम है गैस है वो किसके ऊपर है मतलब नीचे की सबसे नीचे जो है वो ऑर्गेनिज्म मरे थे फिर क्या हुआ वहाँ पे मिट्टी मिट्टी जम गई फिर वो थोड़ा यहाँ पे दब गए फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उनसे प्रोड्यूस हुआ फिर क्या है एक लेयर है वाटर की फिर वाटर की लेयर के ऊपर जो है गैस और हमें ऑयल देखने के लिए मिलता है देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल और गैस जो है ना ऑयल और गैस ऊपर क्यों देखने के लिए मिलते हैं इनके नीचे पानी क्यों होता है क्योंकि इसलिए आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप एक गिलास लीजिए उसमें पानी डालिए और एक पा... ऑयल की तेल की बूंद डाल दीजिए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि तेल की बूंद ऊपर ऊपर तैर रही है इसका मतलब यह है कि जो ऑयल है नेचुरल गैस है वो पानी से हल्की होती है और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है और भारी चीज़ नीचे की तरफ बैठ जाती है तो जो वाटर है वो भारी होता है इसलिए नीचे की तरफ बैठ जाता है ऑयल और नेचुरल गैस हल्की होती है इसलिए पानी से ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिलती है अब देखते हैं इसमें हमें बताया गया है येलो कलर की जो बॉक्सेस हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से बढ़ना चाहिए तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल वेल है जो पहला दुनिया का पहला जो तेल का कुआं है वो खोदा गया था मतलब ड्रिल किया गया था पेनिसलेविया यूएसए में 1859 में आठ साल बाद 1867 में ऑयल जो है वो मकुम असम में मिला इंडिया में जो ऑयल है वो आसाम में गुजरात में मुंबई हाई में और रिवर बेसिन जो है कृष्णा गोदावरी की यहाँ पर हमें ऑयल देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहला ऑयल की ड्रिलिंग का ऑयल ड्रिलिंग का मतलब है ऑयल को निकालना ऑयल को निकालने के प्रोसेस को ऑयल ड्रिलिंग बोलते हैं पेट्रोलियम को निकालने के प्रोसेस को है ना तो जो पेनिसलेविया है यूएसए में वहाँ पर सबसे पहले 1859 में ऑयल वेल खोदी गई थी और निकाला गया था पेट्रोलियम अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देखिए जो पेट्रोल ना जमीन में से निकलता है वो साफ़ नहीं होता है काफ़ी इम्प्योरिटीज़ गंदगी होती हैं जो हमें उसमें से हटानी पड़ती हैं और पेट्रोलियम जो होता है ना उसी से पेट्रोल डीजल बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं तो हमें रिफाइनरी में इसको साफ करना पड़ता है तो पेट्रोल क्या होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोल होता है डार्क सा काफ़ी काला 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 सा ऑयल सा लिक्विड होता है और काफ़ी खराब अनप्लीजेंट इसकी ऑर्डर होती है और ये जो है मिक्सचर होता है काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है पेट्रोल के काफ़ी सारे जो हैं वो पार्ट्स होते हैं तो पेट्रोल के काफ़ी सारे पार्ट्स से मिल करके ये बना हुआ होता है जैसे कि पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स इन सब से मिल करके पेट्रोलियम बना होता है तो पेट्रोलियम के गैस पेट्रोल डीजल ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया पैराफिन वैक्स इन सब से मिल करके पेट्रोलियम बना होता है तो पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल ये बाकी सारी चीज़ें निकालने के लिए हम लोग पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं तो ये देखिए द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑयल द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिटुएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग तो रिफाइनिंग का मतलब होता है जो वेरियस कॉन्स्टिटुएंस होते हैं ना पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट उनको साफ करना उसी को हम रिफाइनिंग uh, कहते हैं इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी तो अलग अलग पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिटुएंट होते हैं उनको साफ करके अलग निकाल देना ही क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है और ये कहाँ पर होता है पेट्रोली जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं ना वहाँ पर ये काम किया जाता है और काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिटुएंस हैं पेट्रोलियम के वो टेबल 5.1 में हमें गिवन है तो देखिए ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से आपको करनी है तो सबसे पहले क्या होता है हमारा एल होता है पेट्रोलियम का जो एक कॉन् उसका पार्ट होता है जिसमें से पेट्रोलियम निकल पेट्रोलियम में से ये सारी की सारी चीज़ें निकलती हैं तो सबसे पहले देखते हैं एलपीजी एलपीजी के यूज़ क्या है हम अपने घर में जो गैस जलाते हैं वो एल तो होती है और इंडस्ट्रीज में बहुत इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम के क्या क्या यूज़ हैं मोटर फ्यूल एविएशन फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई ड्राई क्लीनिंग। आपको पता है जो आप ड्राई क्लीन के लिए देखे आते हैं वो पेट्रोल से साफ की जाती हैं चीज़ें तो पेट्रोलियम को क्या करते हैं मोटर व्हीकल हम लोग जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसमें पेट्रोल डलता है एविएशन फ्यूल भी होता है ये जो एरोप्लेन्स चलते हैं सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग जो है ये भी पेट्रोल से की जाती है कैरोसिन जो है स्टोव्स लैम्प्स है ना इन सब चीज़ों के लिए जेट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है डीजल जो है हेवी वहीकल्स के लिए और जनरेटर्स के लिए जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उसमें भी डीजल का इस्तेमाल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए जैसे कि कहते हैं ना कि तेल लगा दो ये जैसे कि वो हो गया है जाम हो गई ये चीज़ तो वही लुब्रिकेटिंग ऑयल यही होता है पैराफिन वैक्स जैसे कि हम लोग वैसलिन जली यूज़ करते हैं सॉफ्टनेस के लिए स्किन में विटमिन जो है हमने पहले भी देखा था कि बिटोमिन पहले क्या है कोल तार इस्तेमाल किया जाता था फिर अब सड़क सड़क को बनाने के लिए हम लोग विटोमिन यूज़ करते हैं रोड की सरफेसिंग के लिए विटोमिन और पेंट्स वगैरह में भी विटामिन इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और जरूरत की चीज़ें निकाली जाती हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से और इन चीजों को हम क्या कहते हैं इन चीज़ों को हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं और दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं इसमें से पेट्रोलियम से ना ये सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी विटामिन वैक्स वगैरह ये तो होती ही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं जैसे कि क्या क्या होता है डिटर्जेंट भी इसी से बनता है फाइबर्स जैसे कि जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स पहनते हैं ना पॉलिस्टर, नाइलॉन ये भी सारा का सारा पेट्रोकेमिकल से बनता है जो हमारा पेट्रोलियम निकलता है उसी के सब्सटेंसी ये सब कुछ बनता है पॉलीथीन जो हम लोग यूज़ करते हैं मैनमेड प्लास्टिक जो होती है हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस का जो प्रोसेस होता है उससे फिर यूरिया जो हम बनाते हैं तो ग्रेट कॉमर्शल यूज है मतलब बहुत पेट्रोलियम का बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में हमारी लाइफ की बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों में पेट्रोलियम जो निकलता है क्रूड पेट्रोलियम उसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसी वजह से यही रीज़न है कि हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेज़ होते हैं अब हम देखते हैं नेचुरल गैस के बारे में तो नेचुरल गैस जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट फोसील फ्यूल है तो फोसील फ्यूल कौन सा जो डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स वगैरह की जो डेथ हो जाती है उनके जो फिर फ्यूल्स वगैरह उनसे बन जाते हैं उसी को हम फोसिल फ्यूल कहते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस क्योंकि इसको काफ़ी इजी है ट्रांसपोर्ट करना पाइप्स के थ्रू मतलब आप पाइप्स की हेल्प से नेचुरल गैस को बहुत सारी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं पहुंचा सकते हैं जैसे कि हमारे देश में भी दिल्ली और काफ़ी दूसरी सिटीज़ में भी जैसे हम लोग सिलेंडर का यूज़ करते हैं इसी तरीके से पाइप जो लाइंस पड़ी हुई हैं नेचुरल गैस की और उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे आसान होता है नेचुरल गैस को पाइप के थ्रू भेजना नेचुरल गैस जो है काफ़ी हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है और इसी वजह से काफ़ी हाई प्रेशर पे नेचुरल गैस को हम स्टोर करते हैं ना इसी रीज़न की वजह से हम नेचुरल गैस को सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं और सी एन जी जो है वो यूज़ की जाती है पावर जनरेशन के लिए भी मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए और इसको आजकल हम लोग मेनली जो है ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह मेनली तो खाना बनाने के लिए बट आप लोगों ने देखे होंगे ना वो टुक टुक जो चलते हैं जो ई रिक्शा होती हैं वो भी इसी से चलती हैं मतलब वो तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं और काफ़ी सारी कार्स जो हैं वो भी नेचुरल गैस से चलती हैं और ये काफ़ी लेस पॉल्यूटिंग है जैसे पेट्रोल और डीजल तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और ये उनके कंपैरिजन में नेचुरल गैस काफ़ी कम पोल्यूशन करती है इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहा गया है क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषण करती हैं अब ग्रेट एडवांटेज काफ़ी एडवांटेज है सी का ये है कि डायरेक्टली हम लोग बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं घर में और फैक्ट्रीज में और इसको पाइप के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं तो यही तो होती है वो और ये नेटवर्क जो है पाइपलाइन का वो गुजरात के वडोरा से डेली के कुछ पार्ट तक और काफ़ी दूसरे जगहों पर भी फैला हुआ है ये हमारा नेटवर्क जो है फिर नेचुरल गैस जो है स्टार्टिंग मटेरियल है काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है केमिकल और फर्टिलाइजर भी इसकी हेल्प से काफ़ी सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स वग़ैरह नेचुरल गैस की हेल्प से बनाए जाते हैं और इंडिया के पास वास्ट रिज़र्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व हैं नेचुरल गैस के हमारी कंट्री में त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा तो त्रिपुरा महाराष्ट्र और राजस्थान कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपको याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमें नेचुरल गैस मिलती है तो देखिए त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा में हमें मिलती है नेचुरल गैस तो इसमें पूछा गया है क्या कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म नो इसके लिए बहुत साल लगते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर लगता है ये कंडीशन लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जा सकती है अब आगे है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो वही इसमें हमें बताया गया है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इन इनएजॉस्टबल और एग्जॉस्टबल एग्जॉस्ट Exhaust वो चीज़ होती है जो ख़त्म हो जाती है इन इनएसॉस्टेबल चीज़ वो होती है जो ख़त्म नहीं होती तो हमने पढ़ा था कि यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर कि नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टबल होते हैं मतलब ख़त्म हो जाते हैं जैसे कि फोसील फ्यूल फॉरेस्ट मिनरल्स और आपने पढ़ा था ये भी कि कोल्ड और पेट्रोलियम अब भी फोसिल फील है और जो डेड ऑर्गेनिज़म्स मिलियन ऑफ ईयर्स कई हज़ारों सालों तक जब वो मर जाते हैं उन पर टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है हवा उनको नहीं मिलती है तब जो है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑन द अदर हैंड नॉन रिज़र्व ऑफ दिस विल लास्ट और मतलब जो रिज़र्व हमें पता है ये बात है कि कहते हैं दो हज़ार तक तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दुनिया से तब हम कैसे चलेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें चलना पड़ेगा या फिर हम साइकिल से चलेंगे हेल्दी भी हो जाएंगे सही रहेगा ना ठीक है तो हो सकता है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाए और नॉन रिजर्व जो हैं वो कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज अब इन अब जलाने से क्या होता है पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और दीज यूज़ ये जो है ग्लोबल वार्मिंग हमारे जो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है उसका भी एक कारण फोसी फ्यूल का जलना भी है ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कारण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह फैलाते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि फ्यूल्स को तभी हम लोग इस्तेमाल करें जब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो ताकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हम बचे रहें और तभी हम यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है पी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है इंडिया में वो एडवाइस करती है लोगों को सेव करने के लिए पेट्रोल और डीजल और टिप्स देती है कि ड्राइविंग ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड फार एज़ पॉसिबल मतलब जब आप ड्राइव करें तो आपकी जो स्पीड हो वो मतलब एक जैसी रहें ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीरे आप अपने इंजन को बंद कर दें जब आप ट्रैफिक लाइट्स में फंसे हो जब ट्रैफिक में फंसे हो तो अपना जो इंजन है गाड़ी बंद कर दें अपनी और करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर एंशो करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर तो प्रेशर आपकी गाड़ी में बिल्कुल सही होना चाहिए टायर्स वगैरह में ताकि आप आपको जो है फ्यूल आपका एफिशिएंटली इस्तेमाल हो और रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए वहीकल की ताकि जो फ्यूल है वो फालतू में बर्बाद ना हो तो यही सारे पॉइंट जो है ये सारे पॉइंट हमें इसमें बताए गए हैं तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो गया है